श्वास नली में धुआं जाता है ना, ओहो, फेफड़े में धोकनी जैसा कुछ कुछ होता है, बड़ा मजा आता है। ऐसा बखान करेंगे कि जो नहीं पीता वो भी सोचेगा पी लूंगा सिगरेट। ऐसे मूर्खों से बच के रहना चाहिए, है ना। दूसरा कहेगा अरे शराब नहीं पीते, ओ हो क्या जीवन दिया तुमने, अरे भगवान को क्या जवाब दोगे ऊपर जाके। ये सब उस प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब इच्छाओं के साथ चलो, जो जो इच्छा मन में है उसको पूरा करो। कभी ड्रग्स का सेवन करके देखो, कभी गांजे के चिलम फूंक के देखो, कभी ये करो कभी वो करो। एक बार गांजा फूंका तो अगले 5 दिन तक इस दुनिया में नहीं रहोगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे टाइप कुछ फील होगा। ये सब ड्रामा करेंगे पर कई बच्चों को बिगाड़ देंगे सब कह कह के। एक वो लोग हैं, ऐसे लोग आमतौर पर कम उम्र के और 30-35-40 तक की उम्र के लोग ज्यादा मिलेंगे इसमें। दूसरे वर्ग में वो हैं जो ये काम अपने जमाने में कर चुके हैं पर अब उनको लगता है कि करना ठीक नहीं है क्योंकि अब बच्चों का समय आ गया है, बच्चे भी उस राह पे चलना चाह रहे हैं, अब इनको खराब लग रहा है। तो ये निवृत्ति मार्ग है, समझ रहे हो। नहीं, मन जो करता है उसको रोको, मन को रोकना ही व्यक्तित्व है। तेरा मन सिर्फ इतना कर रहा है कि आज नाश्ते में 3 परांठे खा लूं ना, सादगीपूर्ण आचार व्यवहार। मन के मत ना चालिए, कबीर का कथन है, मन के भरोसे मत चलो, मन तो मरवा देगा, बुद्धि के भरोसे चलो, सादगी आत्म संयम। 4 घंटे ही सोना है बस, रात को 12 बजे सो, सुबह 4 बजे मुर्गे से पहले उठना है। अगर मुर्गे ने कुकड़ों को कर दिया आपसे पहले तो जीवन धन्य नहीं है आपका, बर्बाद जीवन है। कुछ ऐसे पीस मिलेंगे आपको। जिंदगी क्या है, दोनों तरह के पीसों के बीच का रास्ता है। ऐसे पीस से बचो, हनी सिंह से बचो और झांसाराम जी से बचो। बीच का रास्ता निकाल लो और ऐसा रास्ता जो सहज रास्ता हो, सहज मार्ग हो।